हेलो एवरीवन, सो आज की जो हमारे वीडियो है जिसमें मैं कुछ इस टाइप की सी भी फोटो एडिटिंग करने वाला हूं, तो सबसे पहले आपके लिए एक गुड न्यूज़ है कि मैं आपके लिए फ्री में फ़ोटो एडिटिंग करने वाला हूं। वो कैसे मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले आपको पिक्सआर्ट को ओपन कर लेना है और उसमें आपको इस बैकग्राउंड को ऐड करना है जिसने मैंने ऐड किया है। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। इसके बाद आपको जाना है फोटो में और अपने मॉडल को पिक को ऐड कर लेना है। पिक को ऐड करने के बाद आपको इसका जो बैकग्राउंड है ना उसको रेज कर लेना है, जिसके लिए हम कटआउट टूल का यूज़ करेंगे। यहाँ पे जाके हम मॉडल के साइड साइड में इसको ड्रॉ कर देंगे, तो ये ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड जो है ना इसका रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ से सिलेक्ट हो चुका है और आपको जो जो पार्ट यहाँ से सिलेक्ट नहीं हुआ, आप देख सकते हैं यहाँ से हेयर सिलेक्ट नहीं हुआ, तो आपको यहाँ से पेंसिल वाला आइकन पर क्लिक करके इसको सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ से अच्छी तरीके से हमारा बैकग्राउंड जो है ना इरेज हो चुका है। फिर आपको जो है ना बैकग्राउंड के हिसाब से इसको बिल्कुल एडजस्ट करके लगा देना है, यहाँ से डन करना है। फिर आपको इस थोड़ा सी भी लुक देना है इसके शर्ट में। इसके लिए हम जाएंगे यहाँ से टूल्स में और आपको जाना है एडजस्ट में। तो हम इसको थोड़ा सा माइनस करेंगे, कंट्रास्ट को थोड़ा सा बढ़ाएंगे, क्लियरिटी सिचुएशन थोड़ा बढ़ाएंगे, इसको माइनस करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सी भी लुक आ रहा है। तो हम जाएंगे इरेज कर देंगे बाकी हिस्से को, हम सिर्फ शर्ट के ऊपर इसको अप्लाई करेंगे। इसे इन्वर्ट करके आप सिर्फ शर्ट के ऊपर अप्लाई कर देंगे, तो वहाँ पे शर्ट के ऊपर अप्लाई करने से थोड़ा सी भी लुक आ जाएगा। शर्ट के ऊपर सी भी लुक कैसे देते हैं इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है, जिसका आपको आई बटन पे मिल जाएगा वीडियो, जिसमें मैंने शर्ट के ऊपर सी भी लुक दिया है, बहुत ही ईजी तरीके से दिया था, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हो उसको। तो यहाँ पे हो चुका है थोड़ा बहुत, बाकी आई थिंक कम्प्लीट। यहाँ से डन कर देंगे, यहाँ से भी डन। अब हम फेस को थोड़ा सा ब्राइट करेंगे, जिसके लिए हम टूरिस्ट वाले में एक्शन पर जाएंगे, यहाँ से एडजस्ट पर जाके ब्राइटनेस बढ़ाएंगे, कंट्रास्ट को भी थोड़ा सा बढ़ाएंगे और सेचुरेशन माइनस कर देंगे। फिर आपको इन्वर्ट पे जाकर आपको फेस के ऊपर अप्लाई करना है सिर्फ, तो इससे ना फेस जो है ना थोड़ा ब्राइट हो जाएगा, वाइट वाइट हो तो हम यहाँ से जाएंगे टूल्स में और एडजस्ट में जाएंगे, इसका थोड़ा सा ब्राइटनेस को माइनस करेंगे, थोड़ा सा कंट्रास्ट को थोड़ा सा बढ़ाएंगे, क्लैरिटी को थोड़ा सा बढ़ाएंगे, हाईलाइट को भी थोड़ा सा माइनस, सेचुरेशन को थोड़ा माइनस, टेम्प को थोड़ा सा बढ़ा देंगे। तो यहाँ पे देख सकते तस्वीर बहुत अच्छा हो चुका है। अब ये जाएंगे हम इसको हेयर को एडिट करेंगे, जिसके लिए हम स्केच बुक का यूज़ करेंगे। तो हम पिक यहाँ पर हमारा आ चुका है, फिर हम यहाँ से पेंसिल वाला आइकन पर जाएंगे, फिर आपको ये वाला ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है, ये वाला ब्रश। फिर आपको सेटिंग देख लेने हैं, इसको भी 19 और इसको भी 19। आप साइज को थोड़ा सा 5% रख सकते हो, 5 तक रखना है। तो तकरीबन हेयर तो एडिट हो चुका है। तो फ्री में फ़ोटो एडिट कैसे करने वाला हूँ, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है ना व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा मेरा, तो आप वहाँ पे पिक को सेंड करेंगे, जिसको मैं एडिट करके आपको भेज दूँगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।